दोस्तों आज हम आपको फिल्म जगत के एक ऐसे कलाकार से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने फिल्म जगत में बहुत देर से दस्तक दी। हालांकि उनको फिल्मों में लीड रोल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो लोगों में अपने छोटे किरदारों से ही लोकप्रिय रही हैं। बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों ने माँ, चाची, मौसी, दादी और नानी के किरदारों को अपने अभिनय प्रतिभा से फिल्मों में जीवंत किया है। भले ही वो किरदार छोटे रहे, लेकिन महत्वपूर्ण रहे और दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ सके। इन्हीं कुछ किरदारों के लिए सुषमा सेठ को जाना जाता है। रियल लाइफ में उन्होंने ऋषि कपूर से लेकर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और प्रीति जिंटा समेत कई सितारों की दादी, माँ और नानी के किरदार अदा किए हैं। उन्होंने ज्यादातर 70, 80 और 90 के दशक के कई फिल्मों में शानदार रोल किया है। आज आपको हम इस वीडियो में उनके प्रारंभिक जीवन, करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम सुषमा सेठ के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 20 जून 1936 में दिल्ली के एक कलाकारों के परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने स्कूलिंग की पढ़ाई दिल्ली के एक स्कूल में किया था जिसका नाम है कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी स्कूल। उसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई लेडी इरविन कॉलेज से पूरा किया। उन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में डिग्री हासिल किया है। खबरों के मुताबिक सुषमा जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अपने उम्र के 42वें वर्ष से किया, या यूं कहे कि बहुत देर से शुरू किया। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने अपनी पहली फिल्म साल 1978 में जुनून से किया था। उस फिल्म को श्याम बेनेगल द्वारा डायरेक्ट किया गया था और वो फिल्म उनके करियर के लिए शानदार ओपनिंग थी। उस फिल्म में जाने माने एक्टर और एक्ट्रेस शामिल थे। उन्होंने उस फिल्म में शशि कपूर के किरदार जावेद खान की चाची का किरदार निभाया था और वहीं से उनका फिल्मों में दादी और माँ बनने का सिलसिला शुरू हो गया था। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जुनून के बाद उनकी दूसरी फिल्म साल 1980 में आई थी जिसका नाम था चन्ना परदेसी। वो फिल्म उनकी एक पंजाबी फिल्म थी। उसके बाद वो अपनी तीसरी फिल्म कलयुग में नजर आई जो साल 1981 में आई थी। उस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय किया था। उसके बाद उसी साल 1981 में वो अपनी चौथी फिल्म सिलसिला में नजर आई। दोस्तों 1981 में आई सिलसिला फिल्म यश चोपड़ा के निर्देश और निर्माण में बनी थी। शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा और संजीव कपूर जैसे नामी सितारे उस फिल्म में शामिल थे और सुषमा जी ने उस फिल्म में किसी दादी का किरदार नहीं निभाया था बल्कि एक अभिनेत्री के किरदार में नजर आई थी। उस फिल्म को भी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया था। उसके बाद उन्होंने एक से एक हिट फिल्मों में काम किया जैसे प्रेम रोग, तवाइफ, नागिन, निगाहें, दीवाना, चांदनी, धड़कन, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो। साल 1983 में उन्होंने फिल्म नौकर बीबी का में काम किया। फिर साल 1985 में फिल्म वफादार में काम किया। साल 1985 में ही उन्होंने फिल्म माँ कसम में ठकुराइन का शानदार किरदार निभाया था। 1986 में जाबाज फिल्म में उन्होंने लक्ष्मी सिंह का किरदार निभाया। साल 1987 में वो खुदगर्ज फिल्म में नजर आई। उसी साल 1987 में उन्होंने मर्द की जुबान में काम किया। साल 1989 में वो घराना फिल्म में नजर आई और इसी प्रकार उन्होंने अपने जीवन में और फिल्मी करियर में करीब 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी ज्यादातर फिल्मों को लोग पसंद करते हैं। उन्होंने कई टेलीविजन धारावाहिकों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया है जिसमें हम लोग, देख भाई देख और दर्द का रिश्ता जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल्स शामिल हैं। 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित पहले सोप ओपेरा हम लोग में उनके द्वारा निभाया गया दादी का किरदार बेहद लोकप्रिय रहा था। दादी को गले के कैंसर से पीड़ित दिखाया गया था और वे मृत्यु के कगार पर थी, लेकिन सुषमा के उस दादी के किरदार से लोग इमोशनली इतने अटैच थे कि जब उन्हें पता चला कि दादी कैंसर होने की वजह से मरने वाली हैं, तब दर्शकों ने दूरदर्शन को एक पत्र लिखा था कि दादी को जल्दी न मारा जाए और उनके किरदार की अवधि बढ़ा दी जाए। उसके बाद हम लोग में उस दादी के किरदार की उम्र को बढ़ा दिया गया था और ऐसा सिर्फ और सिर्फ सुषमा सेठ के शानदार अभिनय के कारण हो पाया था कि लोग उस किरदार से इमोशनली अटैच हो गए थे। आपको बता दें कि हम लोग टीवी सीरियल में उनकी पोती मंजली का किरदार निभाने वाली लोकप्रिय टेलीविजन कलाकार उनकी ही अपनी सगी बेटी थी। साल 2001 में अमिताभ बच्चन, जया, शाहरुख, काजोल जैसे नामी सितारों से सजी फिल्म कभी खुशी कभी गम फिल्म में उन्होंने जया बच्चन के किरदार नंदिनी रायचंद की माँ और अमिताभ बच्चन की सास का किरदार निभाया था। हालांकि पर्दे पर उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जितना भी समय मिला उतने में उन्होंने अपने काम को बखूबी तरीके से निभाया था। वो फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी और शायद आपने भी उस फिल्म को देखा होगा। यश जौहर और करण जौहर के निर्माण में साल 2003 में बनी फिल्म
कल हो ना हो में उन्होंने मशहूर अभिनेत्री प्रीति जिंटा की दादी लज्जो कपूर का किरदार निभाया था। नितिन अडवाणी के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थी, जिसमें जया, शाहरुख, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं और सुषमा सेठ, रीमा लागू, लिलिट दुबे, डेलनास पॉल जैसे कलाकार सहायक भूमिका में नजर आए थे। वो फिल्म भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी और लोगों ने उस फिल्म को बहुत प्यार दिया था। आपने तवायफ फिल्म तो देखा ही होगा, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में भी किया है। उस फिल्म में सुषमा जी को थोड़ा बहुत मौका मिला था अपने किरदार को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करने का। उस फिल्म में वो एक कोठे की मालकिन अमीना बाई के किरदार में नजर आई थी। बी आर चोपड़ा के निर्देशन में बनी उस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय किया था और अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता था। आगे हम आपको बताएंगे कि उस फिल्म के लिए उन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों, अगर हम इनके निजी जीवन की बात करें तो सुषमा वैवाहिक है। उनके पति का नाम ध्रुव सेठ है, जो एक व्यवसायिक है। सुषमा की एक बहन भी है जिनका नाम है चारू सिजा माथुर और वो एक फेमस डांसर है। चारू के पति का नाम राजकुमार सिंहजीत सिंह है और वो एक शास्त्रीय भारतीय नृतक, मणिपुरी नृत्य कोरियोग्राफर, विद्वान है। सुषमा की तीन बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम कवि सेठ है, दूसरी बेटी का नाम दिव्या सेठ है और तीसरी बेटी का नाम प्रिया सेठ है। उनकी तीनों बेटियां अभिनेत्री हैं। दिव्या के पति का नाम सिद्धार्थ शाह है। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम मिहिका सेठ है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि साल 1985 में बी आर चोपड़ा की फिल्म तवायफ में उन्होंने शानदार अभिनय किया था, तो उसमें निभाए गए रोल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में नामांकित किया गया था। सुषमा जी पिछले 10 सालों से अपर्णा नामक एक गैर सरकारी संगठन के साथ काम कर रही हैं। नाटकों और नृत्य नाटकों का निर्देशन करती हैं। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के जीवन से प्रभावित होकर सितारों के पास नामक एक नाटक भी लिखा है। उनको लिखना और उपन्यास पढ़ना बेहद पसंद है और अब वो एक्टिंग नहीं करती हैं। अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री सुषमा 81 साल की हो चुकी हैं। दर्शकों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है और आज भी लोग उन्हें उतना ही प्यार करते हैं। लोग उनके अभिनय को कभी नहीं भुला पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इनकी ये जीवनी आपको पसंद आई होगी। ऐसे कलाकारों को लोग भूल ना जाएं, इसलिए हम ऐसे कलाकारों की जीवनी लाते रहते हैं। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।